वे गुड मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिवनी से बड़ी खबर, जहां गौवंश की तस्करी के मामले में जुड़ी हुई यहां पर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। सिवनी के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। घटना को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। घटना में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, सीएम द्वारा कहा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ी कार्रवाई गौवंश की तस्करी मामले में की गई है और सिवनी के कलेक्टर और एसपी को इस पूरे कार्रवाई के तहत हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, बड़ी कार्रवाई यहां पर गौवंश को लेकर देखने को मिल रही है, गौवंश तस्करी, और इसको लेकर सीएम द्वारा काफी संज्ञान भी लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो गौ तस्करी के मामले में जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाराजगी जताई है, जिसके कारण एसपी और कलेक्टर जो सिवनी के थे उन पर गाज गिरी है। सिवनी के जो कलेक्टर हैं शिदत सिंगल, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह संस्कृति जैन को जो है नया सिवनी कलेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा सिवनी के जो एसपी थे राकेश कुमार, उनको हटाकर पीएचक्यू भेजा गया है। सुनील कुमार को सिवनी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो मामला निकलकर सामने आया था, पहले से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको लेकर जो है वो जानकारी ले रहे थे, संज्ञान बनाए हुए थे। और देर रात मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस मामले को लेकर वो काफी ज्यादा गंभीर है और इसको लेकर वो जो है दोषी पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए दोषियों पर कार्रवाई होने के साथ साथ यहाँ पर अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। सीधा जो दो आईएएस अधिकारी हैं, एक आईएएस एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर जो है वो जाहिर तौर पर उनकी जो कदाचरण है उसको गंभीर अन्याय मानते हुए उनको यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए पहली बार का नहीं है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसी मामले को लेकर जो है वो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला काफी ज्यादा बड़ा था, काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए इस पर अधिकारियों पर कार्रवाई की है और दोषियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया और लगातार इसके तहत कार्रवाई देखने को मिल रही है। आने वाले समय में और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा तस्करों के खिलाफ, उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमृतांश तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गौ तस्करी को लेकर एक्शन लिया गया है। आपको बताते चलें कि इसमें कलेक्टर को हटाया गया और साथ ही साथ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसपी को भी इस पूरे मामले में हटाया गया है। सिवनी के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने इसके लिए बताया कि सरकार बेहद गंभीर है, राज्य सरकार इस घटना को लेकर और घटना में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है।